violence. She's dearest to me. राज, एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, सिनेमाघरों में गुत्थम गुत्था की टक्कर देते हुए PS2 और किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई जा रही है। यस, PS2 ने 4 दिन कंप्लीट करके 5वें दिन में एंट्री मान ली है और इसी के साथ किसी का भाई किसी की जान ने 11 दिन कंप्लीट करके 12वें दिन में एंट्री मान ली है। तो आज जानेंगे कौन सी फिल्म कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन किसने कितना कमाया, पब्लिक की तरफ से ज्यादा प्यार कौन बटोर रहा है, टोटल कितनी कमाई कर सकती है दोनों फिल्में, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी इन दोनों फिल्मों का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें द बिगेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म PS2 यानी पोनियन सेल्वन 2 की, तो यस, मणि रत्नम जी के डायरेक्शन में बनने वाली इंडिया की बिगेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म है जो फुल रियलिटी बेस पर बनी गई है। जी हाँ, PS2 को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मूवी में रियल चोला एम्पायर की कहानी को दिखाया गया है और मूवी में फुल पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा। कैसे सत्ता हड़पने के लिए एक से बढ़कर एक षड्यंत्र खेले जाते हैं, लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, सब कुछ बता दूं तो मूवी को बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है जिसमें आपको जिया विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में दिखेंगी। बाकी कार्थी, त्रिषा, ऐश्वर्या लक्ष्मी और जयराम रवि जैसे दिग्गज स्टार भी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। बता दूं तो दोस्तों, लगभग 350 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली PS2 को पूरी दुनिया में लगभग 4,500 स्क्रीन पर रिलीज करा गया था, जिसमें अपने पहले दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग लेते हुए मूवी ने लगभग 68 करोड़ की बिग ओपनिंग ली थी। इसके साथ दूसरे दिन भी धमाकेदार ओपनिंग करते हुए इस फिल्म ने लगभग 65 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था और अपने पहले 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 135 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था इंडियन बॉक्स ऑफिस से। दोस्तों, PS2 को ओवरसीज में भी काफी पसंद करा जा रहा है, लेकिन उससे पहले बता दूं तो तीसरे दिन भी जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड करते हुए एक बार फिर क्रॉस इंडियन कलेक्शन लगभग 40 करोड़ का जबरदस्त आंकड़ा टच किया था अपने तीसरे दिन में। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ करते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड से कमाई अपने तीसरे दिन में लगभग 55 से 56 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आई थी PS2। इसके साथ पहले 3 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर से लगभग 180 करोड़ के आसपास सेट कर दिया था। बता दूं तो पहले 3 दिन के वीकेंड में जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड करते हुए लोगों के दिलों में खूब राज किया फिल्म ने और थर्ड ग्रोसर बनी इस साल की। वहीं अपने 4थे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई करते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस से 25 करोड़ का कलेक्शन किया था और पूरी दुनिया से लगभग 32 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर दिया था। इस फिल्म को जैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता की तरफ से, शुरुआती 4 दिन में ही कमाल है। जी हाँ, अपने बजट की रिकवरी करते हुए कमाल की ग्रोसर साबित हो रही है फिल्म दिन पर दिन। वहीं बात करें आज यानी डे 5 में कैसी ग्रोथ है फिल्म की, तो यस, आज भी धमाकेदार ओपनिंग के साथ एडवांस में जबरदस्त कलेक्शन करते हुए मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट 28% तक की शो करते हुए आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी रेट्स के साथ जबरदस्त ग्रो कर रही है और एंड ऑफ द डे शायद इंडियन और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन मिला के लगभग 16 से 17 करोड़ के आसपास होल्ड कर सकती है फिल्म। इसी के साथ पूरी दुनिया से लगभग 24 करोड़ का बिग कलेक्शन कर सकती है और पहले 5 दिन में ही टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑफ द डे शायद 240 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी फिल्म और इस साल की सेकेंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी साबित होती नजर आ रही है बॉक्स ऑफिस पर। बात करें दूसरी फिल्म यानी किसी का भाई किसी की जान की, तो यस दोस्तों, फैमिली ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघर में जबरदस्त तांडव कर रही है जिसको ऑडियंस विद फैमिली काफी एंजॉय कर रही है। जी हाँ, फराज सामजी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है जिसमें आपको बेहतरीन स्टार कास्ट पूजा हेगड़े सेकंड लीन में दिखेंगी जो भाईजान के साथ भरपूर साथ दे रही हैं। साथ ही वेंकटेश डगुपति और जगपति जो मेन विलेन हैं, राघव जुयाल, शहनाज गिल, जस्सी गिल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मूवी एक एवरेज ओपनिंग लेते हुए पहले दिन 15 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करी थी। वहीं दूसरे और तीसरे दिन हेटर्स की आलोचनाओं को रौंदते हुए शानदार कमाई अपने खाते में रखी थी और पहले 3 दिन में ही 68 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लिया। इसी के साथ अभी तक थर्ड बिगेस्ट ओपनर में अपना नाम दर्ज कर लिया है। भाईजान के स्टारडम ने और ईद के फुल एडवांटेज ने मूवी को पहले 3 दिन जबरदस्त बिजनेस दिया और इसी के साथ 4थे दिन लगभग 10 करोड़ 50 लाख तक कलेक्शन किया था और अपने 5वें दिन में 50% की डाउनफॉल रेट के साथ 5 करोड़ 30 लाख तक का कलेक्शन करा था। वहीं अपने 6वें दिन 4 करोड़ 70 लाख और अपने 7वें दिन में लगभग 4 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई थी फिल्म। इसके साथ पहले हफ्ते का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 93 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था अपने खाते में और पूरी दुनिया से पहले हफ्ते का कलेक्शन 155 करोड़ के ऊपर सेट करा था। दोस्तों, सलमान खान के स्टारडम ने मूवी को जबरदस्त बूस्ट किया है और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिलते हुए मूवी ने जबरदस्त कमाई करी है। इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाईजान को कोई भी फिल्म बुरी से बुरी भी हो, उनके नाम से अपनी लागत निकाल ही लाती है ठीक ठाक तरीके से। दोस्तों, अपने दूसरे हफ्ते में भी जबरदस्त ग्रोथ करते हुए 8वें दिन 2.5 करोड़ की कमाई करी थी। वहीं 9वें दिन कमाई 3.5 करोड़ की और 10वें दिन में 4.5 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था और इसी के साथ पहले 10 दिन में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ का कलेक्शन चुराने में
एक्सपर्ट रही। बात करें बिग डेज में कैसी ग्रोथ कर रही है, तो यस 11वें दिन में ही 2.5 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन करते हुए एजेंट, बैड बॉय और साउथ की जाइंट फिल्म पीएस 2 को बराबर टक्कर दे रही है। बात करें आज यानी डेफ डॉल में कैसी ग्रोथ है, तो यस लगभग 1.8 करोड़ तक का कलेक्शन करते नजर आ रही है फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से, और इसी के साथ एंड ऑफ द डे 105 करोड़ के ऊपर आंकड़ा टच करते नजर आएगी फिल्म, और पूरी दुनिया से अभी तक टोटल कलेक्शन 170 करोड़ के ऊपर पहुंचा देगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो ये बताएं अगर आपने दोनों फिल्में देख ली तो बेस्ट मूवी कौन सी लग लोगों को। दूसरा, क्या भाईजान की कोई भी फिल्म साउथ की फिल्म को बुरी तरीके से टक्कर दे सकती है इन फ्यूचर। तीसरा, क्यों हर बार बॉलीवुड को खदेड़ कर साउथ की फिल्में इतना पसंद करी जाती हैं पब्लिक में। फटाफट सब कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल बने हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।